आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना डिजिटल चैनल उत्तराखंड लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए आपको दिखाते हैं कौन सी रही अभी तक की वो बड़ी खबर जो आपके लिए जानना है जरूरी। आज कैंट विधानसभा के अंदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री नवीन जोशी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल DFO लाखन सिंह पंवार, उप पदाधिकारी वन अधिकारी देहरादून के तिलक रोड स्थित कार्यालय में मुलाकात की। वहीं नवीन जोशी ने बताया कि विधानसभा के अंतर्गत कई स्थानों पर जैसे राजेंद्र नगर स्टिक नंबर 11, राम विहार, प्रेम नगर माफी, वन विहार, सिनर्जी अस्पताल, कौलागढ़ आदि कई स्थानों पर बंदरों द्वारा उत्पाद मचाया जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में यहाँ बंदर खड़े हो जाते हैं और घरों में नुकसान करते हैं। इनको भगाने पर यहाँ काटते भी हैं। कैंट विधानसभा के अंतर्गत राजेंद्र नगर गली नंबर 11 और सिनर्जी वाला एरिया, कौलागढ़, वन विहार और राम विहार, बल्लूपुर से लगता हुआ एरिया और वसंत विहार से लगता हुआ एफआरआई का क्षेत्र है, वहाँ पे बंदरों द्वारा जो पूरे क्षेत्र में आतंक मचाया गया है, लोगों को घरों में भुजा रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनको नष्ट कर रहे हैं, तो उसको उसकी मांग को लेकर हमने आज यहाँ के DFO कार्यालय में हमने प्रदर्शन किया और ज्ञापन दिया है। और हमने ये चेतावनी भी दी है, अगर 15 दिन के अंदर आपने क्षेत्र से बंदरों का आतंक खत्म नहीं किया, वहाँ से बंदरों को उठा के किसी जंगल में नहीं छोड़ा, तो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पे धरने में बैठेंगे और तब तक इनका घेराव समाप्त नहीं करेंगे जब तक बंदरों से निजात नहीं दिलाते हैं, क्योंकि वो क्षेत्र में बंदर आए दिन दुनिया भर का वो कर रहे हैं, उत्पात मचा रहे हैं, लोग उससे परेशान हो चुके हैं, कई बार लोगों को काट भी चुके हैं, लोग अपना इलाज करा रहे हैं डॉक्टरों के पास जाकर। लेकिन हमने आज ये मांग करी है, अगर 15 दिन में इन्होंने हमारी मांग पर कार्रवाई नहीं की तो हम यहीं पे आंदोलन करने के लिए मांग। अभी के लिए बस इतना ही काफी। बने रहिए उत्तराखंड लाइव न्यूज पर।